माफी चाहेंगे यहाँ पर दोनों टीम को, थोड़ी सी हम गुजारिश करना चाहेंगे। और खास करके देखिए तो बैटर जो सलामी बल्लेबाज है, शायद मुझे लगता है टॉच का बॉस, यहाँ पर बात करेंगे तो जय दुर्गा सुरई क्रिकेट संघ सलामी धोनी मैदान मध्य दाखिल कराए तो धोनी क्रिकेट संघाचा एक एक प्रतिनिधि समालोचन कक्ष मध्य गरजेचं आहे। आणि तुम्हाला सुद्धा टाइम इथे अलर्ट केला जाणार आहे, ग्रीन सिग्नल दिला जाईल आणि ज्यावेळेस मात्र तुम्हाला रेड सिग्नल दिला जाईल ना आमच्या समालोचक पंचांच्या वतीने, त्यावेळेस शेवटच्या षटकामध्ये मात्र सर्कलच्या बाहेर पाच क्षेत्ररक्षकांच्या ऐवजी तुमचे चार क्षेत्ररक्षक खऱ्या अर्थाने ये बाहेर असतील आणि एकाला मात्र सर्कलच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी सज्ज राहावं लागेल। निश्चित रूप से चलेंगे मुकाबला की तरफ फिर से एक बार, जहां पर टॉच हारने के बाद है जय दुर्गा सूर्य टीम को पहले बल्लेबाजी मिली है। और महागुरु सर बात करेंगे तो एक भिवंडी से टीम देखिए बिलम करती है, दूसरी पनवेल रायगढ़ से, बहुत बढ़िया देखिए मुकाबला। ये प्रतियोगिता में देखिए ज्यादातर ये देखने को मिलता है ठाणे रायगढ़ से। इस वक्त देखिए हमारे वीआईपी डाइस मंच पर तशरीफ रख चुके हैं, क्रिकेट की दुनिया के हम कह सकते हैं लेजेंड खिलाड़ी, एक आसिक बनता है इसके से, एक लेजेंड बनता है रिस्क से। और अनिल दादा ढोपरी आज महागुरु सर मुझे ये बताना नहीं पड़ रहा है कि मेरी कामयाबी के पीछे कौन है, और आज हर कोई यही बता रहे हैं कि बाबू सर तुम्हारी कामयाबी के पीछे बहुत बड़ी अनिल दादा ढोपरी, जिनका प्रतियोगिता देखिए आने वाले नवंबर में आपको देखने को मिलेगा स्वर्गीय रामचंद्र मणि प्रतिष्ठान उत्साह ने। गेम ऑन, सुनील टांडिल सर की तरफ से इशारा और उसके साथ जावेद परिसर है। सेकेंड राउंड का देखिए दूसरा मुकाबला है, और जहाँ पर पिछले मैच देखिए बात करेंगे कानपुली टीम, देखिए भोलनाथ दादा जो टीम के ओनर है थर्बो इलेवन से नाम से देखिए तहलका मचाती हुई, और उसके साथ देखिए पहला गेंद से बढ़िया मुकाबला ये देखने को मिलेगा। हम देख सकते हैं निश्चित रूप से जहां पर स्वर्गीय दिलीप बामा चौधरी देखिए, जिनकी यादों में खास करके हमारे संतोष दादा चौधरी देखिए, टी शर्ट पूरी टीम को हम देख सकते हैं इस वक्त जो सीड ऑन टीम दिखाई दे रही है, काबिले तारीफ है। एक अच्छे अंपायर भी है, संतोष चौधरी सर का भी जिक्र करेंगे निश्चित रूप से। अरे चलिए यहाँ पर ऊंचाई तो लिए है, लंबाई कितना लेके जाएगा, वाइडिश मिड विकेट एकदम से देखिए बहुत बड़ा गैप था, वन बाउंस फोर रन्स। इनकी जब डीजे सॉन्ग होती है ना मुझे कुछ शेर भी याद आ जाती है, कहते ना समंदर में मुट्ठी भर शक्कर डाल देने से उसमें नमक कम नहीं हो जाता है, एक आग चौके छक्के आ जाने से ऐसा नहीं कि आप बड़े टोटल की तरफ जा रहे हो या जीत हासिल कर चुके हैं, बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है। ये देखिए यही बात बताया भाई कि समंदर में मुट्ठी भर शक्कर डाल देने से उसमें नमक कम नहीं हो जाता है। योगेश मडवी सर अगर पिछला मैच की बात कर लेंगे ना, जो सीडोर टीम ने मैच जीता था ना, भलाई मैन ऑफ द मैच है निकेश को शायद दिया गया, दो छक्के दागे थे, लेकिन मैं दावेदार कहूंगा ना गेम चेंजर जो था वो अंतिम ओवर था, प्रतिकेश उनकी तारीफ करना चाहूंगा, पांच गेंदे डॉट, आवाज तो आई और बड़ा विकेट खो दिया। यही देखे गेंदबाजी इनकी बोलबाला, जो पिछली मैच में सिरम सीडोन टीम की जो बड़ी कमबैक थी वो अंतिम ओवर जहां पर बड़ी हार अगर लगी थी मात्रे पड़ा टीम को वो पांच गेंद डॉट। तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से, और थोड़ी सी मैं कहूंगा यहां पर पहला मैच है जो सुबह का खोनी टीम है जितने के साथ साथ इंतजार में अंतिम मुकाबला के लिए, श्री गणेश खोनी टीम देखिए बात करेंगे तैयार रहेंगे। और करण का क्या बल्ला चला भाई आज, अल्लाह बोल किया बहुत बढ़िया। देखिए यहां से पनवेल रायगढ़ से देखिए सिरम सीडोन टीम देख सकते हैं, और दूसरी तरफ देखिए भिवंडी ठाणे सूर्य टीम। ये चलिए आते आते भाई सही तालमेल, इसे कहते हैं गेंद और बल्ले के बीच में सही तालमेल, और गेंद निकला इस बार सीधा न्यू पनवेल।
मेहनत लेना होगा, अच्छी आप मेहनत कर रहे हो हर सीजन। देखिए अगर संडी पालकर सर, सुनील टांडिल सर की बात करेंगे ना, पिछला साल रिकॉर्ड ब्रेक उन्होंने अंपायरिंग की है डे नाइट। और इसी भी देखिए कल देवी छपड़ा राव जी चाय जहां पर हमारी मुलाकात हुई सुभाष दादा, देखिए और आज तस्वीर रखते हुए बहुत बहुत स्वागत है। एक ही कंपनी में हमने दो साल पहले काम करते थे, टेक्नोआ केमिकल। महागुरु सर क्रिकेट की वजह से बदलती रही थी कंपनी लेकिन सुभाष दादा एक ही कंपनी में अल्पेश सर बारिश के समय। और ये चलिए भाई, ऊंचाई तो ली है और लंबाई भी भर दी भाई, आसमानी तूफानी सुल्तानी छक्का, और इसे कहते हैं छोटा पैकेज। क्या बढ़िया दे गया, छक्के दाग दिए भाई। सुरेख आ जाए तो दो साल पहले भी इनका बड़ा नाइट प्रतियोगिता में जुड़े थे अल्पेश सर, नित्यानंद स्मृति चसगा, क्या कमाल का प्रतियोगिता रबर बॉल खेला गया था जहां पर खूब मजा आया था। भिवंडी का जाए तो क्रिकेट का खजाना, रायगढ़ से शुरुआत है, भिवंडी से शुरुआत, ठाणे रायगढ़ से, यानी महाराष्ट्र में देखिए बारिश जो रुकी है ना, अब ये क्रिकेट की बारिश देखने को मिलेगा। आप बैलगाड़ी सर ये देखे या ऑक्सीजन बहुत बढ़िया। देखिए इस बार थोड़ा सा देखिए, ये छोटे कट के खिलाड़ी ना ये घुटनों का बहुत ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर को हम देखा था, कहते ना डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, घुटना टेक तमाशा देख। ये बड़ी आसानी से घुटना टेकते हैं, तमाशा दिखा देते हैं। स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया यहां से 18 रन, बहुत बढ़िया। देखिए यहां से सेकेंड ओवर चलता हुआ, जहां पर चार ओवर का मैच है और कितनी आसानी से कानपुरी टीम पिछला मैच जीता। अरे चलिए यहां से विकेट, पहले लगा के पैर से लिया और उसके बाद विकेट को छोकर गया। और श्रीराम सीडन टीम बात करेंगे तो इनकी गेंदबाजी का बोल वाला एकदम से आज गेंदबाजी में देखने को मिला है बल्ले बल्ले। निश्चित रूप से टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 18 रन से। थर्ड डे कल तीसरा दिन प्रतियोगिता का और पहला मैच होगा, वाकलन बनाम ओडोली, चेंज द गेम। और कल जुड़ेंगे हम सुबह से निश्चित रूप से, सुबह से लेकर शाम तक और आज शाम से लेकर कल सुबह तक। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 18 रन। एक तरफ हमारे महागुरु अपील तेज, और ये देखे जावेद फरीद उंगली उठी भाई, बैक टू बैक दूसरा विकेट यहां पर, दूसरा झटका यहां पर है। सूर्य टीम जहां दिखाई दे रही थी भाई कि कहीं ना कहीं रनों का गति बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस ओवर में देखे छक्के खाने के बाद गेंदबाज ने बता दिया भाई ठोकर खाकर कभी डरना नहीं, क्योंकि ठोकर ही अक्सर इंसान को चलना सिखा देता है। सुबह से लेकर शाम तक, इसलिए तो कहा जाता है भाई सबर कभी मत खोना, क्योंकि बड़ी कामयाबी हमेशा अल्पेश्वर वक्त मांगती है। सरफराज खान देखिए शतक लगाए, वक्त लगा उन्हें, ड्रॉप किया गया एक दो मैच के लिए टेस्ट में, फिर वापस आए शुभम गिल के जगह, इसलिए कहते ना बड़े कामयाबी हमेशा वक्त मांगती है। अरे चलिए बहुत बढ़िया गेंद, देखिए हल्के हाथों से डायरेक्ट थ्रो लेने का देना पड़ जाएगा, कल ऐसा नजारा देखने को मिला था, ओवर थ्रो से कल 5 रन मिला था। भलाई हम यहां पर नहीं थे लेकिन पूरे दिन भर टीवी पर मोबाइल पर जुड़े थे, और यहां पर भी जावेद परिसर का इशारा शायद पंजा। गलती कर बैठा है, गलती कल मेरे हिसाब से अल्पेश सर शायद ये 5 रन ब्राह्मण करोले टीम को मिला था,
मैच भी बड़ा करीब गया था, जहां पर किरोली के साथ मुकाबला था। लेकिन यहां पर देखिए ये पंजा टोटल को पहुंचा दिया, बल्लेबाज के खाते में आ जाएगा और स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 23 रन। अरे चलिए भाई रिवर्स करने गए, क्या जरूरी था यहां से। नहीं पवन देखिए यहां से मौका नहीं लेना चाहे। सिरडॉन देखिए बात करेंगे, हमने जिक्र किया सिरडॉन का नगरी कौन भूल सकता है, जहां पर बड़ा बड़ा प्रतियोगिता खेला जाता है। पहली मरतबा संतोष चौधरी सर के आमंत्रण में हम सिरडॉन पहुंचे थे। टीम का स्कोर देखिए 24-2 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ। दो साल देखे पिछला आरपीएल रायगढ़ प्रीमियर लीग हमें देखने को मिला मंगेश वाकड़ीकर साहब, और इस साल देखे कारगर पर कैलाश दादा मात्रे, निश्चित रूप से मंगेश वाकड़ीकर साहब कुरुस दादा, और उसके साथ पीपीएल देखे हमें इस साल उल्लू नोड में देखने को मिलेगा। टीडीपीएल ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग भी आने वाला 24 से लेकर 28 तक देखिए नाइट 40+ आरपीएल लीजिए 40+ बहुत सारा प्रतियोगिता देखिए आप लोगों के करीब है। और देखिए सामने अनिल दादा बैठे, अब प्रतियोगिता देखिए 5 नवंबर से आ रहा है, जहां पर टॉस जीतते ही आपको सीलिंग फैन देखिए जीतो दादा। और जो दर्शकों के लिए भाई आप रोज आइए, कैच पकड़ते जाइए 2-4 कैच। और अनिल दादा पिछले साल मुझे लगता है आदिवासी समाज के नौजवान को 2 या 3 मुझे साइकिल लेकर गए थे, उनकी पूरी फैमिली आए थे। और भारत दादा इस साल मुझे बड़ा अच्छा लगा, यहाँ से जहाँ पर 2 फाइनल देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा मजा आया, खूब है संतोष है टीम, क्योंकि 2 दिन पहले मुझे चिंद्रन का अजय कड़ू से भी बात हुआ, वो भी बड़े खुश थे, जिक्र किए, कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है यहाँ से। अनिल दादा लग रहा है ये कहा जा रहा था कि अच्छे दिन आएगा अच्छे दिन आएगा, मुझे लगता है टेनिस क्रिकेट में बहुत अच्छा दिन आ गया। टोटल की बात कर लेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 24 पर रुका है, देखिए तीसरा ओवर जहां पर ये एक एक डॉट गेंद, भाई कहते ना हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए। और ये चलिए बात करेंगे अल्पेश सर, देखिए पुरानी शेर देखिए अभी भी ऐसा समय आ जाता है उन्हें याद करना पड़ता है, कुछ नई तैयारी के साथ भी इस साल हम जुड़े हैं, क्योंकि हर साल देखिए दर्शकों को कुछ ना कुछ नया चाहिए। चलिए भाई टोटल की बात कर लेंगे, टोटल देखिए कहाँ पहुंचा है जाकर 25 रन, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बांध कर रखे हैं। कौन कहता है, अगर मैं कभी भी कहता हूँ अल्पेश सर, अगर आपको एकाक मैच जितना है ना आप बल्लेबाजी की ताकत से जीत सकते हो, अगर पूरी टूर्नामेंट आपको जितना है ना फिर गेंदबाजी ये आपके अंदर होना चाहिए, दोनों चीज आपके अंदर रहना चाहिए। और जयदुर्गा सूर्य टीम की बात करेंगे ना इस साल मुझे लग रहा है, हाँ जयदुर्गा सूर्य वही नाम से खेल रहे हैं, कोई बदलाव नहीं। हाँ किसी भी हालत में देखिए स्पीड अप करना बहुत जरूरी है। ओह ये देखिए भाई ऊंचाई भी ली है और लंबाई भी लेता हुआ तुन्ना तुन्ना, अरे गेंद कहां गया मुन्ना, सरकार गेंद गया नितिन स्पोटा चरण। चलिए भाई बच के रहना बाबा बच के रहना रे, और क्या बढ़िया देखे क्या छक्के दागे भाई। ये बैटर की बात करेंगे ना, बैटर कौन थे भाई, यहां से पीयूष पाटिल देखिए बात करेंगे, इनकी तबीयत को मत देखिए इनकी काबिलियत को देखिए, कहते हैं ना किसी की शकल को देखकर उसकी ताकत का अंदाजा मत लीजिए, उसकी अकल का अंदाजा लीजिए, उसकी काबिलियत का अंदाजा लीजिए। बहुत बढ़िया, जरूरत है रनों की यहां से, बहुत छोटा गेंद डाल दिया भाई और मुझे लगता है लाइन से बाहर, जो पिचअप लाइन है देखिए यहाँ पर ऑफ स्टंप बार, वो लाइन से बाहर था जिसके कारण नो बॉल दिया गया और शायद फ्री हिट, देखिए ये लाइसेंस मिल गया भाई, कहते ना खिला हुआ फूल वापस कभी खिलता नहीं है और बुढ़ापे में जवानी कभी वापस आता नहीं है। और उसके साथ साथ हर नो बॉल पर आपको फ्री हिट है, हर गेंद पर आपको फ्री हिट मिलता नहीं है, जब नो बॉल आता है तब देखिए फ्री हिट रहेगा, लेकिन एक अच्छा मौका फिर से बल्लेबाज के लिए रहेगा। फ्री हिट का गेंद था, ऊंचाई तो ली है लंबाई भी ले ली भाई, और एक गगनचुंबी छक्का, अब मैच में आ गया मजा।
और ये हम पर सुरई टीम ने बता दिए भाई और दिखाई दिए, हम वो परिंदे हैं जो गिरने के बाद उड़ना भी जानते हैं। इसलिए कहते हैं ना, अब गिरने कर जो इंसान उठ जाता है ना, तो जाने दिया गेंद को भाई, घुमाओ प्राप्त कर रहे हैं वाइट गाय जा भाई, एक्स्ट्रा से रन आ रहा है, इसलिए तो कहा जाता है ऊपर वाला भी जब देता है ना भाई छप्पर फाड़ के देता है, ले ले बेटा ले, और जब लेता भी है ना भाई ये छप्पड़ नहीं, सब टंबू बंबू सब फाड़ के ले जाता है। और ये चलिए यहां पर देखिए तीसरा छक्का आता हुआ यहां पर इस ओवर में, अब तो गेंदबाज कहेंगे भाई अल्लाह बचाए मुझे हाय तेरे वार से, हाय तेरे वार से, हाय तेरे वार से, हाय तेरे वार। और वो मेहनत दिखाते हुए यहां से प्रतीक एस देखे, यहां से महंगे साबित होते स्कोर की बात कर लेंगे 45-45 रन। हिटमैन का नंबर देखिए, स्लोर गेन पहचान लिए, पहचान लिए काफी अच्छी तरह से, यहां पर एक रन तो लेंगे तेजी से दूसरे के लिए नहीं शायद है, छोड़ अपना तरफ रखना चाहेंगे यहां से। और तीन ओवर का खेल कंप्लीट होने के साथ साथ है टीम का स्कोर देखिए यहां से 46 रन तक पहुंचा है। टांडिल सर इशारा यही है, फील्ड को बिल्कुल खुला रखिए, इकट्ठा बिल्कुल मत होने दीजिए, आप बीच में जाइए। तर अत्तरे विलेवन गावदेवी कानपोली क्रिकेट संघ इथे लकी ड्रॉ केली जाणार आहे, वर्तमान लढत पाहतो एका बाजूला जयदुर्गा सुरई विपक्ष श्रीराम शिरडोन, या वर्तमान लढतीमध्ये जो संघ विजेता ठरेल तो लकी ड्रॉ साठी खऱ्या अर्थाने पात्र ठरणार आहे, अर्थात कानपोली आणि विजेता क्रिकेट संघाच्या दरम्यान लकी ड्रॉ केली जाईल, आणि जो लकी ड्रॉ विजेता ठरणार आहे तो मात्र सुपर सिक्स मध्ये दाखल होणार आहे, त्यासाठी संघ नायकांनी यावं। ओटो बाबूशा महागुरु सर देखिए पियुष पाटील ने पांचवा नंबर पर आकर तीन छक्के दाग दिए, क्या रन जोड़ लिए भाई 46 रन। अनिल दादा जानते हैं बेहतर कि कोई भी खिलाड़ी को बेकार मत समझिए, रुपेश दादा कोई भी खिलाड़ी को आप छोटा मत मानिए, कहा जाता है ना कोई भी पेड़ को कम मत मानिए, फल नहीं देता है तो छांव देता है, इस तरह की किसी भी खिलाड़ी को कम मत मानिए भाई, छक्के नहीं तो चौका देता है, सिंगल नहीं तो डबल देता है, जिस तरह की कोई पेड़ को भी कम मत मानिए, वो फल नहीं तो भाई छांव तो देता है, और वही काम कर लिया यहां पर पीयूष। अब देखिए यहां से गेंदबाजी में देखिए योगेश चौधरी, देखिए थोड़ा सा पिछले मैच में महंगे साबित हुए थे लेकिन कोई बात नहीं, ये वक्त वक्त की बात है, कहते ना वक्त जब आंखें फेर लेता है ना तो शेर को कुत्ता भी घेर लेता है, लेकिन वक्त बदलता है भाई, रक्त नहीं बदलता, रक्त वही है, और डॉट गेंद निकलता हुआ। और ये चलिए भाई अब दूसरी गेंद देखिए, अब तो मुझे लगता है वो रणवीर सिंह की गाना याद कर लेने होंगे भाई, गंदी 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 बात, क्योंकि डॉट गेंद ज्यादा खेलना ये अच्छी बात नहीं है, ये सहित के लिए हानिकारक है, खुद के लिए और टीम के लिए, और यही तो पछतावा मात्र पर टीम को भी हो रहा होगा अंतिम ओवर में जो उन्होंने 5 डॉट गेंद खेले थे, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेले। कोई भी टीम देखिए अच्छे काम करने के लिए आते हैं लेकिन बुराई हमें दिखाई नहीं देता है। और तीसरी गेंद के ऊपर देखिए 2 डॉट गेंद के बाद तीसरा पर विकेट, इसलिए तो कहा जाता है भाई हार और घास कहीं भी पैदा हो सकता है। आओगे तो निश्चित रूप से नितिन को लेकर जाइए, क्या कमाल के डीजे सॉन्ग देखिए बहुत बढ़िया। देखिए अनिल दादा उड़ीसा पर गए जहां मैं उड़ीसा से फिल्म करता हूं, जिससे बड़ा खुश हुआ, उनकी पूरी फैमिली 50 या 60 टीम थे जीतो दादा, जगन्नाथपुरी दर्शन किए और उसके बाद देखिए बात करेंगे चिली का खाना जो बोलते हैं, पशु पक्षी जहाँ पर है पूरा उनका आनंद लिए और उस समंदर चिली का पे भी आनंद लिए,
टोटल की बात कर लेंगे, टोटल देखिए वहीं रुका है भाई, ऐसा लग रहा है गाड़ी ब्रेक। ओ क्या कमाल के गेंदबाजी है, देखिए अंपायर से देखिए यहां पर मांगे कर रहे हैं, व्हाइट की मांगे कर रहे हैं, अम्मा दे मेरा मुंडा बिगड़ा गया, क्योंकि लगातार चार गेंद पर कोई रन नहीं आया है। लेकिन बैटर को यह तय करना होगा भाई, मंजिल दूर है मगर जाना जरूर है, क्योंकि एक अच्छी टोटल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ये चलिए भाई यहां पर देखिए ये श्रीराम स्टूडेंट टीम की, मुझे लगता है शायद अंतिम जो उनका ओवर रहता है ना, गेंदबाजी कोई भी करने आ जाए, 12 खिलाड़ी भी अगर मैदान में उतर जाए ना, मुझे लगता है वो 5 गेंद डॉट निकाल लेगा भाई, क्योंकि देखिए पहली मैच में 5 गेंद डॉट निकला, इस मैच में 5 गेंद डॉट निकल चुका है। अभी अंतिम गेंद रहेगा और टीम का स्कोर देखिए यहां से 46 अगर 50 के ऊपर तक मंजिल तक पहुंचना है, बड़ी हिट, मंजिल दूर है मगर जाना जरूर है। और ये चलिए जो बात कर रहे थे भाई, मंजिल दूर है लेकिन जाना बहुत जरूर है, 5 गेंद डॉट निकलने के बाद है, कहते हैं ना भूखा शेर हमला करता है और जख्मी शेर तवाई 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 तवाई। इथे लकी ड्रॉ केली जाणार आहे बघा, दोन संघांच्या दरम्यान सामना सुरू आहे, वर्तमान लढत शिरडोन विपक्ष सुरई आणि कानपोली क्रिकेट संघाने दोन सामने जिंकलेले आहेत। हा क्षेत्ररक्षण रचना लगेच करून घ्यायचा बघा, सुरई क्रिकेट संघ जयदुर्गा मैदानामध्ये आणि शिरडोन क्रिकेट संघ सलामीर जोडी मैदानामध्ये दाखल करायचे आहे। 3 चिट्ट्या असणार आहेत बघा, हा 2 चिट्ट्या असणार आहेत, 1 चिट्टीवर विनर असेल आणि 1 चिट्टीवर नाव लिहिलेलं असेल कानपोली। या चला दोन्ही क्रिकेट संघाच्या आपण दरम्यान इथे नाणेफेक लकी ड्रॉ करणार आहोत, लकी ड्रॉ केली जाईल। भारतदादा उतरे एका चिट्टीसाठी करत आहेत, भारतदादा उपस्थित आहेत। एक चिट्टीवर विनर आणि 1 चिट्टीवर कानपोली हे अक्षर लिहिलेलं असेल कानपोली क्रिकेट संघाच्या। जर विनर क्रिकेट संघ लकी ड्रॉ जिंकला तर विजेता क्रिकेट संघ मात्र सुपर 6 मध्ये दाखल होईल, आणि कानपोली क्रिकेट संघाच्या बाजूने जर लकी ड्रॉचा कौल लागला तर तो संघ सुपर 6 मध्ये दाखल होईल। आणि कोणी क्रिकेट संघ लगेच नाणेफेकीसाठी तुम्ही संपर्क साधायचे आहे। श्री गणेश राशी 11 कोणी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधावा, 2 चिट्ट्या ते उडवल्या जात आहेत, 1 चिट्टीवर असणार आहे अक्षर विनर आणि 1 चिट्टीवर असणार आहे कानपोली। बोला गणपती बाप्पा, भारतांच्या शुभास्ते ड्रॉ करण्यात आलेला आहे, बघूया विनर म्हणजे जी लढत आहे शिरडोन विपक्ष सुरई या संघामध्ये जो संघ जिंकेल तो सुपर 6 मध्ये दाखल होईल। कोणी क्रिकेट संघाचे संघ नाहीत, कोणी विपक्ष कानपोली इथे नाणेफेक केली जाणार आहे, कोणी विपक्ष कानपोली कोणी क्रिकेट संघाचे संघ नाहीत या नाणेफेकीसाठी। श्री गणेश राशी 11 कोणी तो चलिए मुकाबला थोड़ा स्पीडअप कीजिए, चला दोगा संघाचे कर्णधारचा विनंती है, थोड़ा मैच स्पीडअप करा, एकदम वेल कमी है, अजून एक मैच है, चला दोनों संघाचे कर्णधार विनंती है खास है, थोड़ा लवकर लवकर घाई करा लवकर जरा दादा, एवढे वेल नहीं बाबा, एकदम अंधार झाले दादा। कोणी विपक्ष कोणी या नाणेफेकीसाठी, श्री गणेश राशी 11 कोणी
नाणेबी केली जात आहे आमचे अनिल ढोपरी स्वर्गीय रामचंद्र मोडबी प्रतिष्ठानचे संघनायक नाणेबी करूया आपण सामना स्टार्ट असेल बघा बोलूया आपण समालोचन कक्ष मध्ये योगेश मोडबी यांच्याकडे तर नाणेबी होती है दोन टीम मध्ये जी आजच्या दिवसातील अंतिम लढत होणार आहे महागुरु राशी इलेवन श्री गणेश खुणी विरुद्ध अथर्व इलेवन गावदेवी कानपोली टॉस जिंकला अरुण ठोंबरे अर्थात खुणी संघाने कॅप्टन डिसिजन लगेच द्या तर प्रथम बॅटिंग करणार आहेत खुणी संघ डिसिजन द्या हर्ष ठोंबरे बॅटिंग फर्स्ट तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों चलते मैदान के ऊपर ये मुकाबला इंपॉर्टेंट है इसमें जीतने वाली टीम सीधे क्वालिफाई होगी सुपर सिक्स में ए ग्रुप में बिल्कुल कल बी ग्रुप की टीमें खेली थी और बी ग्रुप से दो टीमें सुपर सिक्स में क्वालिफाई हुई आज यहां से जीतने वाली टीम सुपर सिक्स में क्वालिफाई होगी एक तरफ है टीम सुरई तो दूसरी तरफ है सिरडोन टीम के सामने लक्ष्य 53 रनों का और पहला झटका मैदान के ऊपर सलामी वीर एज अ ओपनर बैट्समैन मैदान के बाहर प्रथमेश टकले बैक टू द डगआउट प्रभाकर टकले हेलो बॅट्समन आपण लवकर जायचंय खेळाडू लक्ष असू द्या कारण वेळ आपल्याकडे कमी आहे नंतर आपल्याला अजून एक मॅच खेळायची आहे परंतु यातनं जो जिंकेल तो सरळ सुपर सिक्स मध्ये अर्थात 29 तारखेला खेळेल सरळ लक्ष असू द्या वेळ आपल्याकडे कमी आहे आणि टीम सिरडोन आपण रेडी राहायचंय बॅट्समन तो जीत के लिए 53 रनों का लक्ष्य पहला ओवर की बात करेंगे तो एक चौका जरूर आया टीम की टोटल की बात करेंगे तो इस समय 6 रन एक विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी कर रहे आकाश पाटिल पावर सर्कल का पहला ओवर है और 53 रनों का टारगेट मैदान के ऊपर जीत और हार हमारे सोच पर निर्भर है अगर मान लिया तो हार और अगर ठान लिया तो जीत मैदान के ऊपर मुकाबला जीतकर कौन सुपर सिक्स में क्वालिफाई होगा दोनों में से एक टीम सुपर फोर में सुपर सिक्स में क्वालिफाई होगी और उसके बाद खोनी और कानपोली के बीच जो मुकाबला होगा उनमें से जीतने वाली टीम सुपर सिक्स में क्वालिफाई होगी कल दो टीमें सुपर सिक्स में क्वालिफाई हुई थी सिरडोन गावदेवी सिरडोन और साथ साथ गावदेवी डोंगरे थपाटा टीम सुपर सिक्स में क्वालिफाई हुई अच्छे गेंद कवर में खिलाड़ी थे बीट हुए जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक एक रन का मौका है और इस एक रन के साथ टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे तो 7 रन जीतने के लिए 53 यानी कि मुकाबला जीतने के लिए हर ओवर में 13.25 की औसत से रन बटोरने हैं मुकाबला जीतने के लिए और अभी तक तो टीम की टोटल 7 रन है अभी भी इस ओवर में दो गेंदे शेष हैं इस ओवर में दो गेंदे अभी भी शेष है पावर सर्कल का ओवर शॉर्ट गेंद पुल करना चाहते थे बल्ला गेंद का संपर्क नहीं है पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती भी गेंद बल्लेबाज को बीट किया डॉट बॉल की समाप्ति रन संख्या की बात करेंगे तो इस समय टोटल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 7 रन 13.25 की औसत प्रेक्षकांना सूचना बघा बाउंड्री वरती कोणी पाय देऊ नका प्लीज इस बार हवा में फील्डर मौजूद कवर पॉइंट में और यहां से विकेट सेकेंड विकेट बैट्समैन रेडी अपन रहे से लगे टीम की टोटल की बात करेंगे तो पहला ओवर का खेल खत्म होने के बाद दो विकेटों के नुकसान पर 7 रन आप जीतने के लिए यहां से मुकाबला जीतने के लिए अभी भी 46 रनों की जरूरत है 18 गेंदे 46 रनों की आवश्यकता बघा संघ लक्ष असू द्या आपल्या डगआउट बॉक्स मध्ये खेळाडू ऑलरेडी लवकर आपण सेट करून ठेवा कारण जेणेकरून बाद झालेला खेळाडू नवीन जाणारा खेळाडू लवकर मैदानाच्या आतमध्ये जाईल कारण आता वेळ आपल्याकडे कमी राहिली आहे यानंतर अजून एक मॅच होणार आहे खोणी विरुद्ध कानपोली 4 षटकांची लढत कोणी टीम वन द टॉस राशी 11 श्री गणेश कोणी टीम के ऑनर संदीप दादा ठोंबरे आए तो आपसे विनती है कि आप मंच के ऊपर आइए आपका स्वागत है अगला मुकाबला होगा खोनी बनाम कानपोली के बीच आज के दिन का आखिरी मुकाबला रहेगा जल्दबाजी करें अंपायर से विनती है कि आप जल्दबाजी करें क्योंकि इसके बाद और एक मुकाबला है देखिए सूरज की किरणें हमसे दूर जा चुकी है धीरे धीरे सूरज भी ढलता हुआ और इसके बाद अंधेरा होगा इससे पहले मुकाबले खत्म करनी है और इस समय पहला ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन संख्या 7 दो विकेटों के नुकसान पर जीतने के लिए 18 गेंदे 46 रनों की आवश्यकता आप मुकाबला बेहतरीन रहेगा जो जीता
वो सीधे सुपर सिक्स में, मगर कौन जीतेगा ये मुकाबला, सुरई या फिर सिरडून? पहली गेंद स्वागत किया, वेलकम टू द ग्राउंड, और पहली गेंद के ऊपर शानदार चौका, चार रन के साथ टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे 11 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर पहुंच चुके हैं। अभी भी जीतने के लिए यहां से 42 रनों की आवश्यकता है। चलो गेंद नहीं देनी आपको, तुरंत देना होगा। इस बार बेहतरीन डिले, ऑप्शन की थोड़ी बाहर थी और अंपायर ने से वाइड करा दी। अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी टीम की टोटल अब 12 के ऊपर पहुंच चुकी है। 41 रन की आवश्यकता है 17 गेंदों के ऊपर, गेंदे 17 रन चाहिए 41। बड़ा मुकाबला, बिल मुकाबला बेहतरीन, शाम के समय में शांत माहौल देखिए, मुकाबला बेहतरीन चलता हुआ। इस बार भी बल्ला चलाया स्क्रीन के ऊपर से, गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। सॉरी, दोनों सलामी बल्लेबाज आउट हुए। आप तेजस चौधरी जो मंडाउन के खिलाड़ी हैं, 9 सेकंड पर पवन टकले, ये मुकाबला आप देख रहे हैं मैदान पर। जीतने के लिए 53 रनों का टारगेट, रन संख्या तेजी के साथ बता हुआ स्कोर 18 रन। इस बार बेहतरीन डिलीवरी, अपील स्ट्रांग था, अपील में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी, बल्लेबाज को बीट किया, डॉट बॉल की समाप्ति। एक एक डॉट बॉल अब प्रेशर बढ़ सकता है, दबाव बढ़ सकता है टीम के ऊपर, क्योंकि टारगेट 53 रनों की है। प्रति ओवर में 13.25 की औसत बरकरार रखनी है। पहला ओवर में शानदार गेंदबाजी रही, केवल 7 रन आए, अब तक तो टीम की टोटल बात करेंगे 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में 11 रन अभी तक आए, 3 गेंदों के ऊपर, 1 चौका, 1 छक्का, 1 वाइड की, और कुल मिला के 3 गेंद में कदमों का इस्तेमाल किया था, फुटवर्क का इस्तेमाल किया था बल्लेबाज ने। सटीक गेंदबाजी, आप लेंथ मिल चुके गेंदबाज को, क्योंकि शुरुआत में थोड़ी सी खराब गेंदबाजी, 2 गेंद में 11 आए थे, मगर उसके बाद 2 गेंदे डॉट। निशांत पाटिल की गेंदबाजी देखिए, इस समय बेहतरीन कमबैक देते हुए अपने टीम को, जानते कि इस समय में जरूरत है डॉट गेंदों की, और वो डॉट गेंदे फेंकते हुए मैदान के ऊपर। टोटल स्कोर है 18 रन, अभी भी मुकाबला जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, 53 रनों का टारगेट है। फिर एक बार बल्ला पहले घुमा, शॉर्ट पिच वाली गेंद थी, पड़ने के बाद थोड़ी नीचे रही, बल्लेबाज ऑन साइड में खेलना चाहते थे, मगर बल्ला गेंद का संपर्क नहीं है। 4 खिलाड़ी ऑन साइड में देखिए, लॉन्ग ऑन तैनात है, वाइडिश लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वेयर लेग, ये 4 खिलाड़ी है बाउंड्री लाइन के ऊपर इस खिलाड़ी के लिए। इस बार बेहतरीन शॉट, बल्ले के बीचों बीच गेंद जाएगी मिड विकेट के ऊपर से, सीमा रेखा पार, 6 रन। तो टीम की टोटल, 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल स्कोर हमारे स्कोर बताते हुए 24 रन। आप जीतने के लिए यहां से 29 रन की आवश्यकता। चलो टीम मीटिंग ना करें, बेहतर होगा। सूर्य टीम, सूर्य टीम प्लीज कॉपरेट, आप सहकार्य करें, क्योंकि आप इसके बाद और एक मुकाबला है, शायद आपको मुकाबला नहीं खेलना है, मगर इसके बाद जो मुकाबला होगा खोनी बनाम कानपोली, इनको मुकाबला खेलना, प्लीज आप कॉपरेट करें प्लीज। सूर्य टीम इकट्ठा ना हो सभी खिलाड़ी, 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद 24 आए, 2 ओवर में 29 की आवश्यकता है सिरडून टीम को। जो भी टीम जीतेगी
वो सीधे सुपर सिक्स में क्वालिफाई होगी। तो गेंदबाज इस समय गेंदबाजी करेंगे आयुष पाटिल। तीसरा निर्णय के ऊपर जहां से फैसला होगा दोस्तों, फैसला होगा हार या जीत का, कौन मनाएगा जीत का जश्न, कौन होगा इस प्रतियोगिता से बाहर। गेंदबाज तैयार आयुष पाटिल, पहली गेंद स्वागत किया, वेलकम टू द ग्राउंड। गेंद जाएगी सीधे स्ट्रेट ऑन द लॉन्ग ऑन गॉन सिक्स रन। बेहतरीन शुरुआत मैदान के अंदर, आप मुकाबला पलटवा रहे, अब जीतने के लिए 23 की आवश्यकता। टीम के टोटल रन संख्या की बात करेंगे, 30 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुके हैं, 11 गेंदे 23 का समीकरण। यूट्यूब के माध्यम से कई सारे दर्शक मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं। हमारे सम्मानीय टिटवी बैल के मालक अतुल शेटपाटिल, जिनके माध्यम से इस प्रतियोगिता के बाइक पुरस्कृत की गई है, वो सम्मानीय अतुल शेटपाटिल यूट्यूब के माध्यम से मुकाबला देख रहे हैं। उनके साथ में हमारे अनिल नैना पाटिल और उनके साथ में है सुप्रसिद्ध गोल्डन मैन देवदास शेटपाटिल, अजय भाई पाटिल, अनुज भाई पाटिल और हमारे मचिंद्र पाटिल, सभी का स्वागत। यूट्यूब के माध्यम से मुकाबला देख रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे, मगर स्वागत खास तौर पर गेंदबाज का किया पहले गेंद के ऊपर। ओ दोनों बल्लेबाज बीच में, आखिरकार एक को लौटना पड़ेगा रन आउट के तौर पर। मुकाबले में फिर एक बार कन्वर्ट, क्योंकि अब मुकाबला पलटवार हो चुका है। पहली गेंद में छक्का, दूसरी गेंद के ऊपर रन आउट। आप जीतने के लिए चाहिए 23 रन बची हुई 10 गेंदों के ऊपर। तो जीतने के लिए 53 रनों का टारगेट था। अभी भी रनों की बात करेंगे तो स्कोर बोर्ड के ऊपर टोटल रन संख्या हमारे स्कोर बताते हुए कुल स्कोर है 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज है निकेत चौधरी जो नॉस्टिक एंड पर रहेंगे। इस बार भी बेहतरीन शॉट, गेंद जाएगी हवाई सफर करते हुए लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, और एक शानदार छक्का। अब यहां पर लगातार आक्रमण, एक तरफ से हम बात करेंगे बैट्समैन वन डाउन के खिलाड़ी तेज चौधरी, जिनके बल्ले से ये छक्के निकलते हुए पवन के बल्ले से छक्का आया, उनके बल्ले से अभी तक 2 छक्के देखने मिले। टीम की टोटल की बात करेंगे तो रन संख्या आगे बढ़ती हुई 36 रन, जीतने के लिए अब केवल 17 रनों की आवश्यकता होगी। फिर एक बार, इस बार मिस टाइमिंग है, फील्डर मौजूद, चिड़िया छिपे खेत में, पवन के पारिकांत, फिर एक बार मुकाबला पलटवार, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, यह मुकाबला मैदान के अंदर सुरई बनाम स्टेडोन के बीच। जीतने के लिए 17 की आवश्यकता, जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता है। मुकाबला देखिए सैंडी पार्कर सर, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, ये क्रिकेट का दस्तूर है, हमेशा क्रिकेट में यही होता रहता है, अप एंड डाउन्स, कभी खुशी कभी गम। आप देख रहे मैदान के ऊपर, कभी मुकाबला सिरडोन टीम के पक्ष में झुकता है तो कभी मुकाबला यहां पर सुरई टीम के पक्ष में आता है। ये मुकाबला इसी तरह चलता रहेगा, मगर 8 गेंदे शायद बची होगी, 8 गेंदों के ऊपर चाहिए रन 17 नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर। पहली गेंद फिर एक बार मिस टाइमिंग, वही खिलाड़ी वही क्षेत्र, और इस समय बल्लेबाज के पारिकांत योगेश चौधरी बैक टू द डगआउट। लगातार विकेट, शेरडोन टीम अब थोड़ी सी मुश्किल स्थिति में है, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी रही थी पवन टकले की, जिन्होंने 2 छक्के दागे थे, लग रहा था कि अब सिरडोन टीम पूरी तरह से मुकाबले पर कब्जा करेगी, मगर पलटवार किया गेंदबाज आयुष पाटिल ने, वहां पर लगातार 2 विकेटें लेकर मुकाबले में फिर एक बार वापसी की है, और इस समय मजबूत स्थिति प्राप्त करते हुए जय दुर्गा सुरई टीम। जीतने के लिए आप चाहिए 7 गेंदों में 17। क्रिकेट में दोस्तों कोई भी आंकड़ा सेफ नहीं माना जाता, क्रिकेट में 6 गेंद में 6 रन कभी कभी नहीं निकलते, कभी कभी क्रिकेट में 6 गेंद में 17 20 30 35 और 43 रन देखे,
ये क्रिकेट खेल है दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं कि क्रिकेट खेल गिरगिट की तरह रंग बदलता है और आज भी वो क्रिकेट का खेल गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। आखिरी गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है, कमाल का कमबैक रहा आयुष पाटिल जिन्होंने टीम के लिए कमबैक किया, मगर आप जीतने के लिए आखिरी छह गेंदे 17 की आवश्यकता। कहते नहीं 17 और खतरा, मगर इस मैदान के ऊपर क्या यह 17 का खतरा होगा इस समय सूर्य क्रिकेट टीम के लिए या फिर सिरडोन टीम के लिए? टीम मीटिंग ना करें सूर्य टीम प्लीज। जीतने के लिए 6 गेंदे और अभी भी 17 की आवश्यकता है। बिना कुछ किए बिना जय जय कार नहीं होती दोस्तों, कहते हैं नहीं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आज मैदान के ऊपर दोनों टीम को कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि यहां से मुकाबला आप जीतते हैं तो सीधे क्वालिफाई हो गए बिल्कुल सुपर सिक्स के लिए। छह गेंदे 17 की आवश्यकता मैदान के ऊपर आप बात करेंगे तो सत्रह रनों की आवश्यकता है आखिरी छह गेंदों के ऊपर। यकीनन मुकाबला सूरज की किरणें बाबूशाह यहां पर धीरे धीरे विदाई लेती हुई, सूरज भी हमसे ढल चुका है बिल्कुल। आप मुकाबला देखिए अभी भी इसके बाद और एक मुकाबला होगा खूनी बनाम कनपोली के बीच मुकाबला रहेगा जो आखिरी मुकाबला रहेगा आज के दिन का। उनमें से जीतने वाली टीम सुपर सिक्स में होगी और इनमें से जीतने वाली टीम सुपर सिक्स में होगी। अच्छी गेंद, पहली गेंद तो डॉट और जितना डॉट गेंद आएगी उतना दबाव बढ़ेगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इंतजाम होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। बिल्कुल पिछली बार भी ये खिलाड़ी थे जिन्होंने 15 रनों की जरूरत थी, 2 छक्के दागे थे बाबूशाह, उन्होंने कहा था कि ऐसी स्थिति में मैं बल्लेबाजी करना पसंद करता हूं। ओ देखिए ओहो गेंद जाएगी इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से आउट ऑफ द पार्क 6 रन। थैंक यू डीजे, तो इस छक्के की जरूरत थी। मैंने पिछली बार भी कहा था बाबूशाह की इस बल्लेबाज की बिल्कुल मैन ऑफ द मैच के दरमियान उन्होंने कहा कि इसी सिचुएशन में मैं बल्लेबाजी करना पसंद करता हूं, कठिन परिस्थिति में ये बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर लेता है और इस समय इनके बल्ले से छक्का आया। प्रतिकेश रन संख्या आप 4 गेंदे बची है और रन चाहिए 11, 4 गेंदे 11 रन। अभी भी मुकाबला कोई जीता कोई हारा नहीं है, जिसका खेल अच्छा रहेगा वो मुकाबला जीतेगा क्योंकि इस मुकाबले में दोनों टीम को दमखम दिखाना है। चलो टाइम पास ना करें प्लीज सूर्य टीम, आप इस बात के ऊपर गौर करें क्योंकि इसके बाद और एक मुकाबला है जीतने के लिए 4 गेंद में 11 की आवश्यकता। और यॉर्कलाइन की गेंद थी, अपील स्ट्रांग है बिल्कुल, यहां पर चेक करना जरूर अंपायर से रूबरू, मगर अंपायर बता रहे कि इस समय नॉट आउट। 3 गेंदे 11, चलो अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन, अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन, अब ज्यादा रूबरू न करे प्लीज। थर्ड अंपायर की मांग कोई नहीं मिलेगी क्योंकि थर्ड अंपायर मिलेगा खाली रनआउट और बीमर के लिए। अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन और आप चाहिए 3 गेंदे 11 की आवश्यकता। फिर एक बार पलटवार, कभी बाजी सूरज टीम के पक्ष में आती है तो कभी बाजी सिरडोन टीम के पक्ष में जाती है, मगर बाबूशाह आखिरी तक मुकाबला कौन जीतेगा और कौन जाएगा एमएलए ट्रॉफी में सुपर सिक्स, यानी कि सुपर सिक्स के लिए मुकाबला है, जो जीता वो सिकंदर। देखना होगा आज के दिन में किसकी का बल्लेबाजी अच्छी रहेगी या फिर गेंदबाजी। मैदान के ऊपर एक तरफ गेंदबाजी करे संदीप पाटिल तो दूसरी तरफ है के बल्लेबाज प्रतिकेश, सॉरी निकेश है सेकंड के ऊपर। और एक डॉट बॉल, आप 2 गेंद में 11 यानी कि 2 छक्के लगाने पड़ेंगे। चलो एक कट्टन आए प्लीज सूर्य टीम प्लीज,
बार बार सूचना देनी पड़ती है, प्लीज सुरई टीम सभी खिलाड़ी इकट्ठे ना है प्लीज। और अगला मुकाबला जैसे ही होगा तो कानपुली टीम आप रेडी रहना आपको, क्योंकि सेकेंड इनिंग में आपको बल्लेबाजी करनी है। तुरंत आप मैदान के अंदर जाइए, कोनी टीम आप भी रेडी रहिए, तुरंत अपने सलामी बल्लेबाज मैदान पर भेजिए। दो गेंदे 11 की आवश्यकता, यह मुकाबला इस गेंद के ऊपर तय है। इस गेंद के ऊपर यदि छक्का लगता है बाबूशाह तो आखिरी गेंद के ऊपर मुकाबला जाएगा, और दर्शक तो यही चाहते हैं, मगर देखना होगा। ओ इस बार भी गेंद को उड़ाया हवा में, फील्डर है, कहानी बदल चुकी है मुकाबला सुरई टीम के पक्ष में। प्लीज सुरई टीम इकट्ठे ना आए प्लीज, कप्तान से विनती होगी सुरई टीम। सुरई टीम विनंती, आपल्याला सगळे खेळाडू एकत्र काय येते तुम्ही, वेळ नाही आपल्याकडे प्लीज। यस, हमारे माइकल भाई का भी आगमन होता हुआ, अश्विन भाई आपका स्वागत है। हमारे माइकल भाई जो कोनी टीम के लिए हमेशा सपोर्ट करते हैं और आज भी कोनी टीम के लिए सपोर्ट करने के लिए आ चुके हैं। माइकल भाई स्वागत है, अश्विन भाई आपका भी स्वागत है। संदीप टोमरे आप आए तो आप आइए प्लीज, मंच के ऊपर आपका स्वागत है। औपचारिक इस मैदान के ऊपर है, आखिरी गेंद है और मुकाबला पूरी तरह से जय दुर्गा सुरई टीम के पक्ष में है। ये मुकाबला जीत लिया और सुपर सिक्स में पहुंची है जय दुर्गा सुरई टीम, कांग्रेचुलेशन हार्ड लक शिरडून टीम। चलो कानपुली टीम तुरंत फील्ड की रचना करे, कोनी टीम आप डगआउट बॉक्स में आइए। सुरई जय दुर्गा सुरई क्रिकेट संघाने विजय संपादित केलं, सुपर सिक्स मध्ये क्वालिफाई होत झालेली आहे संघ, हा सुपर सहाच्या फेरीमध्ये पात्रता फेरी करी निश्चित स्वरूप संघाने वाटचाल केली, अभिनंदन तुमचं।